क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स दो पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स की। आज पहली क्लास है, आज से रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स ये नई एजुकेशन पॉलिसी में ये मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर आता है। संडे को आपको मैथमेटिकल फिजिक्स देखिए, यूनिट फर्स्ट वेक्टर एंगल, यूनिट फर्स्ट लेसन फर्स्ट वेक्टर एंगल, यूनिट फर्स्ट है लेसन फर्स्ट है वेक्टर एंगल। में भी चार यूनिट है, ठीक है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा का देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज वो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग only the magnitude, having only the magnitude, those physical quantities having only the magnitude। नहीं, एक ऐसा करो ना, पार्ट ए में एक कॉपी बना दो, पार्ट बी की दूसरी कॉपी अलग अलग कॉपी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है ना, तो काफी कुछ कराना पड़ेगा, तो आपको उसमें ज़्यादा चाहिए है ना, तो अलग अलग कापी बनाए, 150-200 पेज अलग अलग। दो फिजिकल क्वांटिटीज अभी जो जैसा करेंगे, ठीक है, कल तुम लोग वो करोगे। दो फिजिकल क्वांटिटीज having only the magnitude are known as scalar quantities, are known as those physical quantities having only the magnitude, वो physical quantities जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे दीजिए, मास है आपका, डिस्टेंस है, टाइम है, मास डिस्टेंस टाइम स्पीड है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, वॉल्यूम है, डेंसिटी है प्रेशर है, प्रेशर है, वर्क है,
सर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, डिवाइड कर दिया इसके लिए वर्क है, एनर्जी है, पावर है, पावर है, चार्ज है, चार्ज, चार्ज क्यू बराबर है ई एम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन मानिए ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, तो स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर है स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, पोटेंशियल, पोटेंशियल और आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट और फ्रीक्वेंसी, वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, दोस क्वांटिटीज हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज, एक ऑब्जेक्टिव जरूर आना है ठीक है, स्केलर ही वेक्टर पूछे तो ये ठीक है, ये तुम्हारा ये सिंपल। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, उन्हें क्या कहते हैं वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ डायरेक्शन, हैविंग बोथ डायरेक्शन, हैविंग बोथ डायरेक्शन वो फिजिकल क्वांटिटीज इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम क्या कहते हैं वेक्टर, दोज क्वांटिटीज having both magnitude and direction are known as vector, जिसके पास magnitude और direction दोनों होती है उन्हें हम क्या कहते हैं vector quantities। vector quantities जो है triangle law of vector addition को follow करते हैं ठीक है, इसके example है, example इसके लिए पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर से आप दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स,
फोर्स वेट लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग कहलाता है p बराबर mv इंपल्स इंपल्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट डेंसिटी ईपीसी ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। तो भाई वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको वेक्टर और स्केलर जानना है। तो वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर के एग्जांपल याद कर लीजिए। वेक्टर के एग्जांपल है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वेट ठीक है आपका लीनियर मोमेंटम इंपल्स ठीक है फोर्स इनटू टाइम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट डेंसिटी ये सब स्केलर ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में मास टाइम डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी डेंसिटी प्रेशर वर्क एनर्जी पावर याद करना। अगर सब्जेक्टिव होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता पर ऑब्जेक्टिव में एक आधे क्वेश्चन आपके स्केलर के एक आधे क्वेश्चन वेक्टर के आपको एग्जांपल के मदनी एग्जांपल ये आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे। अब आइए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें ठीक है ये तो आप सही कर ही लेंगे एग्जांपल अच्छी तरह याद कर लीजिए इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास डिस्टेंस टाइम स्पीड वेलोसिटी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड स्केलर है डिस्टेंस अपॉन टाइम वॉल्यूम डेंसिटी प्रेशर वर्क एनर्जी पावर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर पोटेंशियल स्पेसिफिक हीट फ्रीक्वेंसी ये सब वेक्टर में पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर है फोर्स वेक्टर है वेट वेक्टर है लीनियर मोमेंटम वेक्टर है इंपल्स वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और करंट डेंसिटी करंट परिवर्तन एरिया ठीक है ये आपके। अब देखिए बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर को कैसे वेक्टर की जो लेंथ लोगे वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका है। जैसे कोई वेक्टर लिया तो इसकी जो लेंथ आपका मैग्नीट्यूड और ये जो एरो एरो आपकी डायरेक्शन है और लेंथ जो है मैग्नीट्यूड
ठीक है। अब जैसे वेक्टर ए, यही सेम वेक्टर, यही सेम तीनों सेम, और ये वाला नहीं है, तो आप क्या कहेंगे वेक्टर ए बराबर है ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस आता। अब आइए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशन ऑफ टू, एक वेक्टर ए और बी वेक्टर, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी, ये थीटा है को ऐड करना है ठीक है, तो वेक्टर ए बनाया पहले, फिर आप बाहर की तरफ तब बनता है वेक्टर आर बराबर ए प्लस ये वेक्टर के अपेक्षा आर बराबर ए प्लस, पहले वेक्टर ए बनाया फिर थीटा लेकर वेक्टर बी बनाया, तो आर बराबर ए प्लस ये बना दिया कि वेक्टर गिरा कर दिया ये वाला। अब देखिए आप ए के बाद भी जोड़ रहे हो, आप कहोगे आप बी के बाद ही जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए आप अगर ऐसे जोड़ते हैं, पहले बनाते हैं बी, आपने बी पहले बना ए उसके साथ ये वाला ये वाला इंकलाब थीटा बना दो, आर डैश बराबर ए प्लस, आर डैश बराबर ए प्लस, तो ये स्थिति में दोनों से ठीक है, तो आर की वैल्यू है ए प्लस, आर डैश की वैल्यू है आगे पीछे तो बी प्लस ए है, बी प्लस ऐसे बी प्लस, तो ये दोनों सेम आता है
आर बराबर और ए प्लस बी बराबर बी प्लस तो एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। इसको ओबे करता है कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर ओवे करता है कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए तो ऑब्जेक्टिव में ये देख सकते हैं कि ये कम्यूटेशन वाले लॉ को ओवे करेगा। ए प्लस बी बराबर बी प्लस अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर का एक और बता दें और एडिशन टू और मोर वेक्टर्स का वो भी टू और मोर एक से अधिक मान लो ये आपका ए एस एस बी आपका एस ठीक है सी आपका एस और डी आपका फोर वेक्टर है इनका एडिशन करके आपको तो हमने देखो इसे कर सकते ए बनाया फिर बी बनाया फिर सी बनाया फिर डी बनाया और इसके लास्ट पॉइंट से आर बराबर ए एडिशन का फॉर्म आपको मान लो ऐसे निकाला कि ये कहेगा कि एडिशन करना है ऐसे चार वेक्टर्स अब देखिए सब्सट्रैक्शन भी बता दें अब देखिए
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है आज का केवल नाम घर साल है। अच्छा समझ गए। अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ठीक है इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करिए कि इसका डायरेक्शन अपोजिट करना चाहिए। आपने ये था इसकी ऐसे, एंगल यहां ठीक जाता तो ठीक ही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो पता। तो अब आप ऐसे बनाए, वेक्टर ए बनाया, ये वेक्टर बी बनाया माइनस, ये हो गया आपका आर ए माइनस, ए माइनस ए माइनस एंगल वो ही थी, आर बराबर ए माइनस अब आप क्या करिए वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के और भी तरीके देखिए। देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कि ये ए था ये देखिए और ये है आपका बी, इनके बीच का एंगल है, इनके बीच का एंगल है आपका थीटा, तो आपका एक ये बने आर बराबर ए माइनस, आर बराबर ए माइनस, और आपने ये उल्टा कर दिया ए और इनके बीच का एंगल है थीटा, और आपने डैश दी तो आर डैश बराबर बी माइनस, बी माइनस एरो की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आपने इधर से इधर ले गए तो आपका डायरेक्शन हुई आर बराबर ए माइनस, ए आर बराबर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी किया ठीक है, तो आपका एरो की डायरेक्शन इधर उल्टा लिख गया, एरो की डायरेक्शन इधर लीजिए, जिस तरफ एरो ले जाओगे उससे कटेगा, तो एरो की डायरेक्शन है इस तरफ, तो आर बराबर ए माइनस,
एरो की डायरेक्शन आपने इस तरफ कर दी, तो आर डैश बराबर बी, आर डैश बराबर बी एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो आर बराबर आपका है तो सेम आर बराबर माइनस आर, मतलब सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लागू फॉलो आप नहीं करते, ठीक है। सब्सट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, सब्सट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई वेक्टर है उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे तो वेक्टर ही रहता है, ठीक है। तो इफ स्केलर एम मल्टीप्लाइड टू वेक्टर ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू वेक्टर, मल्टीप्लाइड टू वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई टू वेक्टर इज आल्सो गिव द वेक्टर, ये आपको वेक्टर ही देगा, इज आल्सो गिव द वेक्टर। तो आपने अगर एम का मल्टीप्लाई ए में कर दिया तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, एम का मल्टीप्लाई ए में कर दिया तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, और अगर एम का मल्टीप्लाई ए में किया और वैल्यू क्या आ गई जीरो तो वो कहलाता है नल वेक्टर। इफ एम जीरो तो एम ए बराबर जीरो, तो इसे कहेंगे नल, इसे कहेंगे हम शून्य वेक्टर। अब भाई ये इसमें हाँ भैया उसी में चाहिए लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा,
लॉज ऑफ वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर किसी के राजे में ये पार्ट आपका बहुत सरल हो गया ऑब्जेक्टिव की वजह से। अगर यही सब्जेक्टिव होता तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता, क्योंकि डेल एल ऑपरेटर थ्योरम्स है इनको अब आपको बस फार्मूले बताने अपने अंदर दिमाग में, तो ये पेपर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्टिव में तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। अगला पेपर जो होगा मतलब अगले सेमेस्टर का पेपर जो मई में होगा वो आपका सब्जेक्ट मई या जून में। लॉज ऑफ कॉलेज में क्लासेस चलने लगे अभी गए नहीं गए थे क्लास चल रही थी टीचर सिलेबस दे के पढ़ा रहे थे ऐसे ही पढ़ा रहे संतोष कुमार त्रिपाठी। लॉज ऑफ फैक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ फैक्टर अलजेब्रा में देखिए ए बी और सी वेक्टर्स हैं और एम एन स्केलर। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ए बी if vector a and if a as it is if a b and c are vectors ye vectors and mn r scalar and m and n are M and N are scalars. M and N are scalars. तो देखिए पहला associative law, associative law. A प्लस बी प्लस ऐसे लिखा ए प्लस बी अब ऐसे दे दिया पूछ रहा है कौन सा ला है एसोसिएटिव या मान लीजिए तीन वेक्टर्स दे दे रहा है क्या एसोसिएटिव का कौन सा ऑप्शन तो याद रखिएगा ए बी प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट बना दी। अब जैसे अगर वेक्टर में आपको बता दें जीरो भी वेक्टर होता है ठीक है अगर वेक्टर में जीरो को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए प्लस बी अभी तो जीरो को ऐसे ही रखें ए प्लस जीरो बराबर वेक्टर का अगर सब्सट्रैक्शन कर दें दो वेक्टर्स को घटा दें तो वैल्यू क्या आएगी
वेक्टर ए प्लस वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव ला फॉलो लिखा था हमने ए प्लस बी बराबर बी प्लस ठीक है कम्यूटेटिव ला वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव ला को ओबे करता है। अब आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई एम ए प्लस एम ए प्लस बी एम ए प्लस एम एम ए प्लस एम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे भी कर सकते हैं सी एम प्लस एन वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर जीरो से किया गया उसको कोई नाम नहीं दिया वेक्टर ए में जीरो जोड़ दिया गया तो वेक्टर ए एम एन में ए कर दे तो एम ए प्लस एन एन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये देखिए अब आपका एम एम ए एम एल ए एसोसिएटिव एसोसिएटिव वन से वन में ए से मल्टीप्लाई करोगे ये कहलाएगा यूनिट मल्टीप्लाई ये है यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट मल्टीप्लाई देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन
स्केलर मतलब जैसे एम है, मैग्नीट्यूड है, तो सिर्फ स्केलर है, आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा भी वेक्टर ही मिलेगा। अगर स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर ही रहे, ठीक है। अब देखिए अगर m 0 हो तो m इंटू a बराबर 0 तो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। ला द वेक्टर अलजेब्रा a b एंड c आर वेक्टर्स एंड m n आर स्केलर्स, तो इनका ला जो है वो ये है कि a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a में जीरो जोड़ो a ही आएगा, a में आप जीरो जोड़ते हो a ही आता है, a में से a सेम वेक्टर को आप ऐड करते हो अपोजिट डायरेक्शन वाले या घटा देते हो तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। a प्लस b बराबर b प्लस a, अभी हम बता रहे थे वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव ला को पूरी करता है। आपने m कोई स्केलर क्वांटिटी है उससे a प्लस b को मल्टीप्लाई कर दिया एडिशन को, तो m बराबर m, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ला। या ये भी कर सकते हैं m n इनटू a बराबर m a प्लस m a, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ला में आता है। m इनटू n a बराबर m n इनटू a, ये क्या कहलाएगा आपका, एसोसिएटिव ला। वन में a का मल्टीप्लाई किया a ही आया, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखिए ट्रायंगुलर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आप एक तरीका और देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया सब ने बच्चों, कहाँ तक स्पीड बढ़ाओ तुम्हारी स्पीड, क्या नाम है, ऐसा ऐसा घुमाना स्पीड कम, या तुम पेनों का प्रयोग कर रहे हो इसलिए, यानी अच्छी तरह लिखी, कोई दिक्कत, ठीक है अच्छी तरह लिखी। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर है जिनके बीच में एंगल है थीटा, ए ये है बी एंगल आपका, तो आप वेक्टर एडिशन करना चाहते हो, पहले आपने ए ड्रा किया, फिर आपने बी ड्रा किया, थीटा एंगल सीए बनाया आपने आर, तो आर बराबर ए, मान लो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, ठीक है। अब आप यहां पर जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू ऐसे आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है। अब आर में ही आर से मल्टीप्लाई, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं हम डायरेक्ट लिख सकते थे, आर में आर से मल्टीप्लाई ए प्लस बी a प्लस, ठीक है, तो r में r से मल्टीप्लाई किया, सेम वेक्टर है तो r r एंगल क्या हो गया जीरो और जीरो, a में a का मल्टीप्लाई करो a इंटू सेम वेक्टर, ठीक है, b में a का करो b, ठीक है। अब आपने फिर ए फिर बी में ए में बी का किया, फिर बी में बी का किया,
आर 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 स्क्वायर हो गया, सेम वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। सेम कॉलम्स में भी होता है, तो सेम वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वही आता है आर स्क्वायर। ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया सेम कर लीजिए बी इंटू ए, टू ए इंटू बी कर लीजिए प्लस ए। टू टाइम्स कर लीजिए तो आर स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंटू टू इंटू ई। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ई कॉस। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट भी बाद में बताएंगे, पर ये तो डायरेक्टली आप कराना चाहते हैं। तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस। तो ये हम डायरेक्टली याद कराना चाहते थे, लिख दिया कर दिया। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, दो वेक्टर्स हैं उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस कैसे आया ये हमने बता दिया। और बता दें वेक्टर का कम्यूटेशन रूल होता है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी किया बराबर क्या होता है बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं, इसलिए ये कम्यूटेशन का लगा इसमें, तो वो दोनों हमने से करके डाल। ठीक है, और देखिए इनके बीच का ये जो एंगल है अल्फा, उसके 10 की वैल्यू हम ये भी प्रूफ करेंगे। ये डायरेक्टली याद करिएगा 10 अल्फा बराबर ये जो अल्फा एंगल है इसका 10 अल्फा बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड थीटा अपॉन ए प्लस बी। A प्लस बी कॉस, ए प्लस बी कॉस। अब देखिए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए हमने टू डायमेंशनल एनालिसिस में ये लिया एक्स एक्सिस, ये लिया वाई एक्सिस, पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, पार्टिकल क्यू का पोजीशन वेक्टर आ रहा है।
बी का पोजीशन वेक्टर आर वन है, क्यू का आर टू है। अब आपने पी क्यू लिया, पी क्यू तो देखिए ये है ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है, तो ओपी है आपका पोजीशन वेक्टर। ये समझ गया बेटा, ये वाला टेन अल्फा याद करना पड़ेगा। देखिए ए है ए बी, यही वेक्टर एडिशन है, आर बराबर ए प्लस, आर बराबर ए प्लस। अब आर का मैग्नीट्यूड लाना है, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, लर्न करो ठीक है। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, टेन अल्फा लर्न करो, टेन अल्फा लर्न करो, बी साइन थीटा ए प्लस बी आपका कॉस, टेन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस ठीक है। अब देखिए आइए बच्चों, पोजीशन वेक्टर बनाया जाए, तो ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पी का पोजीशन वेक्टर आर वन, क्यू का पोजीशन वेक्टर आर टू ठीक है, क्यू पी का पोजीशन वेक्टर आर वन और क्यू का है आर, तो पोजीशन वेक्टर ओपी की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर ओपी की वैल्यू है आर वन। ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर है आपका, ये आपका पोजीशन, वेक्टर ओपी आर वन है, ये है पोजीशन वेक्टर। अब आपका ओक्यू, आर टू है, ये है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर पी क्यू की वैल्यू आर टू माइनस आर, पी क्यू की वैल्यू आप क्या लोगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू ठीक है, ओ ओ क्यू माइनस ओ, तो पी क्यू की वैल्यू आपकी, ओ पी की वैल्यू आर टू माइनस आर, ये डिस्प्लेसमेंट, 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 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये छोटा दिख रहा है ना, आपने छोटा जो बड़ा लो वो कर लो, फिगर में देख लो ना, ओपी माइनस वो करोगे तो आर वन माइनस आर टू हो जाएगा, अगर आर वन आपने बड़ा ले लिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डिस्प्ले, ये फिगर में हमने ज़्यादा बड़ा बनाया, तो आर टू, और ये लोगों की आदत ही होती है आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना, तो आर टू बड़ा लेते हैं, आर टू माइनस आर, आप अगर करना चाहते हो तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, आर वन माइनस आर टू।